Ahead of the Lok Sabha polls in Punjab, the All India Sikh Student Foundation. Ahead of the Lok Sabha polls in Punjab, the All India Sikh Student Federation has made a scathing attack on the BJP Akali Dal combined. Speaking at a press conference, the chief of All India Sikh Student Federation, Karnail Singh Peer Muhammad, said they were releasing a video of 2006 where Captain Amrinder Singh is seen heaping laurels on the person who attacked the Golden Temple. He was garlanding General R.S. Dayal. He alleged that the attack on the Darbar Sahib was perpetrated by Congress, BJP and the Akali Dal. He also appealed people not to vote for Amrinder Singh and Arun Jaitley. आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने जो दरबार साहब पर हमला करने वाले जनरल आरएस दयाल को सम्मानित किया, उनको गलवकड़ी में लिया और उनको शाबाश दी और उनको जो पीछे बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं उनमें उन्होंने कहा कि ये जो आरएस दयाल वो हैं जिन्होंने देश की सरहदों के बाहरी और अंदरूनी लड़ाई लड़ी और गर्व किया जाता है इन पर। तो हमारा सवाल है कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि वो गुरु की नगरी अमृतसर से इलेक्शन लड़ रहे हैं कि एक तरफ तो वो दरबार साहब के हमले के विरोध में इस्तीफा दिया उन्होंने, तो उस फौज के जर्नैल को वो सम्मानित कर रहे हैं ये कहकर जो के ये जो जर्नैल हैं ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत बहादुरी के कारनामे किए हैं। कर्नल सिंह पीर मोहम्मद सेड देयर वर डबल स्टैंडर्ड शोन बाय कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो सिख कौम इतना नफरत करती है ऐसे लोगों को जिन्होंने दरबार साहब पर हमला किया, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो ये दोहरा किरदार उनका हमने आज लोगों को दिखाया है। एक तरफ वो इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो उसी फौज के जर्नैल को सम्मानित कर रहे हैं। हमने अखिल भारतीय सिख छात्र संघ ने आज कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, इन तीनों पार्टियां का अमृतसर इलेक्शन में बाइकॉट करने की अपील की है लोगों को। This report was brought to you by NNIS.